ब्रेकिंग न्यूज़। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं आपका अपना वसीम सैफी। रुख करते हैं मुख्य खबर की तरफ। अगोता गांव के ग्राम प्रधान सचिव की मनमानी के चलते एक लाभार्थी को नहीं मिल पाए अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र। पीड़ित लाभार्थी के पास नहीं थे घूस देने के लिए 500 रुपए, तो ग्राम प्रधान सचिव ने ग्राम प्रधान शायक को नहीं दी थी ओटीपी। पीड़ित पिता बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर 2 सप्ताह से ग्राम प्रधान सचिवालय के चक्कर काट रहा था। पीड़ित पिता से ग्राम प्रधान शायक ने प्रति एक प्रमाण पत्र के 100 रुपये जमा करा लिए। उसके बाद भी ग्राम प्रधान सचिव की जेब में नोटों की गर्माहट नहीं पहुंचने के कारण पीड़ित पिता सचिवालय के चक्कर काटता रहा। हार कर पीड़ित पिता ने ग्राम प्रधान सचिव से गुहार लगाते हुए कहा, मुझे काम पर जाना है, बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला भी बंद है। महोदय, मेरे बच्चों के कागज जल्द से जल्द तैयार करा दें। उसके बाद ग्राम प्रधान सचिव ने पीड़ित पिता से कहा, प्रति एक जन्म प्रमाण पत्र के 500 रुपये लूंगा। पीड़ित पिता के पास पैसे ना होने के कारण पिता ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और पीड़ित पिता ग्राम प्रधान सहायक से बोला, मेरे 300 रुपये और मेरे बच्चों के कागज मुझे वापस कर दो। इतना कहने पर ग्राम प्रधान शायक से नौकरी से हटाने की धमकी देने लगा। यह बात मीडिया कर्मी ने अपने फोन में रिकॉर्ड की और माननीय जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई और ऐसे ग्राम प्रधान सचिव के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। दोस्तों, आप देख रहे हैं वसीम सैफी न्यूज चैनल। आपका क्या नाम है और आप किस लिए आए हैं यहाँ पर ग्राम प्रधान अगोता सचिवालय में? मेरा नाम अजमुद्दीन है, मैं यहाँ 20 दिन से आ रहा हूँ और मैंने सारे कागज अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने बच्चों के उनको दिए हैं, पैसे से सारा काम करवा दिया है और मैं यहाँ आता हूँ तो रोजाना कि मुझे कह देते हैं कल मिलेगा कल मिलेगा, अभी ओटीपी नहीं आ रहा, आज ये सर्वर नहीं आ रहा। अच्छा, तो आपको इसको लेकर के कितने दिन हो चुके हैं यहाँ के चक्कर काटते काटते? मुझे 15-20 दिन हो गए हैं यहाँ, डेली आता हूँ। जो इनके सहायक हैं वो भी कहते हैं ओटीपी नहीं दे रहे सचिव साहब। अच्छा, ओटीपी नहीं आ रहे। अच्छा, तो आप इस विषय में सचिव साहब से मिले थे क्या? हाँ, मैं कल मिला था तो उन्होंने कह दिया है कि 500 रुपये पर बच्चे के लगेंगे तो ओटीपी आ जाएगी, अगर देने हो तो ओटीपी आ जाएगी, नहीं तो ऐसे नहीं बनेंगे। अच्छा, आपसे यहाँ पे कितने रुपये इन लोगों ने जमा करवा लिए हैं अभी तक? अभी तक 300 रुपये जमा करवाए हैं यहाँ पर। कितने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट आपके बनने रह रहे हैं? तीनों के। तीन बच्चों के? हाँ। मतलब प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 100 रुपये इन्होंने आपसे शुल्क ले लिया है जी। और अभी तक कोई काम नहीं हुआ है? नहीं।